साथियों, झारखंड ये भली भांति जानता है कि कांग्रेस जेएमएम की राजनीति छल और स्वार्थ की राजनीति है, जबकि भाजपा कर्म और सेवा भाव से काम करती है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब हम आपके बीच आए थे, यहां अर्जुन मुंडा जी आपके पास आए थे, तो हमने आपके सामने कुछ संकल्प लिए थे। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ सभी किसान परिवारों को देने का संकल्प था, ये वादा हमने पूरा कर लिया। छोटे किसानों, खेत मजदूरों, छोटे दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की सुविधा देने की बात कही थी, ये वादा भी पूरा कर लिया गया। बल्कि इन योजनाओं को भी यही झारखंड से ही लॉन्च किया गया था। पशुओं को मुंह और खुर की बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त टीकाकरण का अभियान भी शुरू हो चुका है। आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने का राष्ट्रीय अभियान भी यही झारखंड से शुरू किया गया है। नक्सली हमलों में शहीद होने वाले पुलिस और केंद्रीय बलों के जवानों के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का अहम फैसला भी लिया जा चुका है। इसका लाभ झारखंड में शहीदों के परिवारों को भी मिलने लगा है। ऐसे अनेक मुद्दों के साथ साथ दशकों से चल रही राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान का संकल्प भी सिद्ध हो रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 अब हट चुका है। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को विकास और विश्वास के पथ पर ले जाने की जिम्मेदारी आदिवासी अंचल में ही जन्मे, पले बड़े उपराज्यपाल जी के कंधे पर है। इसी तरह राम जन्मभूमि को लेकर जिस विवाद को कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकारों ने लगातार लटकाए रखा, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से हल हो गया। और भगवान राम तो जब अयोध्या से निकले थे तब तो वो राजकुमार थे, लेकिन जब अयोध्या वापिस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन गए थे। ये कैसे हुआ? एक राजकुमार अयोध्या से निकलता है, 14 साल वनवास में रहता है, और जब वापिस लौटता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन जाता है, क्योंकि 14 साल राजकुमार राम ने आदिवासियों के बीच में बिताए थे, आदिवासियों ने उनको संस्कारित किया। ये देन है आदिवासियों की, ये योगदान है आदिवासियों का। और भाइयों बहनों, इतने लंबे काल से अटकी हुई चीजें जिसे अटकाने के लिए राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित लोगों ने अड़ंगे डाले, लेकिन हमने देश में शांति, एकता, सद्भाव के लिए समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास प्रारंभ किया और सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे अनेक वादे जो हमने आपसे किए थे वो आज जमीन पर उतर चुके हैं।
यही कारण है कि आज झारखंड को भाजपा पर भरोसा है, कमल के फूल पर भरोसा है।